सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। दोपहर खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो चुकी है और सरगर्मियों के बीच कल निकाय की आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी गई। कल नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने इस आरक्षण की सूची को जारी किया। 762 निकाय में यहाँ पर 760 निकायों की जो आरक्षण की जो सूची है वो यहाँ जारी कर दी गई। दो हालांकि अभी बाकी हैं क्योंकि इस पर अभी मामला विचाराधीन है। एक महाराजगंज की नगर पालिका परिषद की सिसवा विस्तार की, दूसरी बस्ती की भानपुर बाजार की। खैर, यहाँ पर अगर दो की बात अलग छोड़ दें तो जो आरक्षण आया है कहीं ना कहीं उस आरक्षण में लेकर लगातार बवाल की बात चल रही थी, ओबीसी आरक्षण की बात चल रही थी। पर अगर ओबीसी आरक्षण की बात करें तो जो आरक्षण विगत आरक्षण जो 5 दिसंबर को जारी हुआ था, बाद में उसको सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था, उसी अगर आरक्षण की बात करें तो उस बार भी ओबीसी को 205 सीटें ही मिली हैं। यानी कुछ फेरबदल यहाँ पर हुआ नहीं है। पर चूंकि इतना बवाल मचा हुआ था वो अलग बात है, पर जो स्थिति पहले थी वही स्थिति इस बार भी है। खैर, यहाँ पर महिलाओं की सीटें बढ़ी हैं। महिलाओं की सीटें 33% से यहाँ पर 38% हो गई हैं। यानी महिलाओं को यहाँ पर ज़्यादा लाभ मिलेगा अब। यानी महिलाएं ज़्यादा प्रतिनिधित्व करेंगी निकाय में अपनी वार्ड का या अपने नगर पंचायत का या पालिका का या नगर निगम का। और एससी के लिए सीटें जो 102 हुआ करती थी वो सीटें फिलहाल 110 कर दी गई, और एसटी के लिए जो सीट 1 हुआ करती थी वो फिलहाल यहाँ पर 2 कर दी गई। खैर, आरक्षण तो सूची जारी हो गई, जल्द ही निकाय चुनाव की घोषणा भी चुनाव आयोग कर सकता है और उम्मीद कह सकती है कि अप्रैल के दूसरे महीने में, दूसरे सप्ताह में यहाँ पर सूचना जारी हो सकती है। खैर, अप्रैल में सूचना जारी हो जाएगी, उसके बाद चुनाव की सरगर्मियां जो लगातार चल रही और तेज हो जाएंगी और टिकट की दावेदारी के लिए लगातार बैठकों का दौर भी शुरू हो जाएगा। खैर, बैठक लगातार चल रही है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी की लगातार मोर्चों की बैठक चल रही है, समाजवादी पार्टी भी लगातार पदाधिकारियों की नियुक्ति में लगी है, संगठन को मजबूत किया जा रहा है और सबसे महत्वपूर्ण बात, निकाय चुनाव को 24 का यहाँ पर सेमीफाइनल माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 24 का सेमीफाइनल, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर उत्तर प्रदेश में आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया तो उसका लाभ आपको 24 चुनाव में मिलेगा। चुनाव महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिसूचना के बाद जिस तरह से सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं, ओबीसी आरक्षण को जहां पर पहले था वो भी आज भी वही है, महिलाओं को लाभ मिला है, एससी को लाभ मिला है, एसटी के लिए 1 सीट का लाभ मिला है और तमाम जो 17 नगर निगम हैं वहां पर महिला वर्ग को प्रमुखता दी गई है, खासतौर से लखनऊ की, कानपुर की, सहारनपुर की, तमाम जगहों की चर्चा महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि 5 दिसंबर को जिस तरह से अधिसूचना जारी की गई थी उसको निरस्तीकरण हुआ था, 3-लेयर टेस्ट हुआ, सरकार ने रिपोर्ट मांगी, रिपोर्ट सौंपी गई और उसके बाद की प्रक्रिया आपके सामने है। और अब इस प्रक्रिया के बाद क्या चुनौतियां यहां पर सभी पार्टियों के लिए है उस पर चर्चा कर लेते हैं। विवेक श्रीवास्तव प्रवक्ता भाजपा से अपना पक्ष रखेंगे, रविंद्र प्रताप सिंह प्रवक्ता सपा से अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता सुभाषपा से यहाँ पर दयाराम भार्गव अपनी बात रखेंगे। आप सभी मानो इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा प्रवक्ता भाजपा से विवेक श्रीवास्तव। विवेक भाई, सूचना जारी हो गई है ओबीसी को लेकर, यहाँ बातें तमाम तरह की बातें की जाए, आरक्षण की बात की जा रही थी, हालांकि तमाम नगर पंचायतों का यहाँ पर समीकरण बदला है, तमाम नगर पालिका का समीकरण बदला है, वो एक बेहतर बात है और बेहतर पहल भी है। और कई जगह पे जो मेयर हैं वहाँ पर जो सीट है वो पिछड़ा वर्ग को मिली है। यानी मैं मान सकता हूँ कि यहाँ पर आरक्षण जरूर ओबीसी को 205 पिछली बार था जो 5 दिसंबर को अधिसूचना जारी की गई थी, इस बार भी उतना ही 205 है। पर चूंकि अब फेरबदल इतना बड़ा है कि नगर पंचायतों में और नगर निगमों में यहाँ पर पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को और पिछड़ा वर्ग को यहाँ पर प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है, एक बात ये जरूरी प्लस पॉइंट है। इस पूरी सूची को कैसे देखते हैं और जिस तरह से यहाँ पर समाजवादी पार्टी लगातार बवाल कर रही है कि आप पिछड़ा वर्ग विरोधी हैं और आपने पिछड़े वर्ग को कुछ नहीं दिया, जी कैसे देखते हैं? भी सारे आरक्षण चार्ट के साथ ही वो उतरी गई थी जी। उच्च न्यायालय ने उसको ट्रिपल टी के आधार पे बना के लाने के लिए कहा जी, उस पे सुप्रीम कोर्ट की सरकार ने उसके बाद बिना समय गवाए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया और उसकी रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया जी। ये रास्ता साफ हो सका
नई सूची बन के जारी हो चुकी है, जी इसी सूची के अनुसार चुनाव होना है। जो लोग ये आरोप लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा विरोधी है, हमने सरकार ने तब भी अपनी मंशा स्पष्ट की थी कि बिना पिछड़ों के आरक्षण के हम चुनाव नहीं कराने जा रहे हैं। और सरकार ने अपने उस संकल्प पे अमल किया, अब नई सूची के साथ सरकार चुनाव में जा रही है। जी जो लोग अपने आप को बड़ा पिछड़ा हिमायती बताते हैं, जी जब उनकी सरकारें रही उनको बात तो पिछड़ों की करते रहे, लेकिन उन्हें पूरे उत्तर प्रदेश में केवल एक जात विशेष नजर आती रही। अच्छा। और उस जात में भी उनको पूरे प्रदेश के उस जात के लोग नहीं, केवल अपने 3-4 जिले के स्वजातीय लोग नजर आते रहे। अच्छा। ये सारी चीजें सबको मालूम है। अच्छा। वो बात सबकी करते लेकिन किसी को कुछ नहीं देते। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की राजनीति करती है, सबको लेके चलती है। पिछड़े वर्ग के लोगों की एक लंबी फहरिस्त भारतीय जनता पार्टी में, जो सम्मान भी पा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में बेबे भाई के साथ कदम से कदम। बेबे भाई, यहाँ सुनने में ये भी आया है कि इस बार दागी लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा, ठेकेदारों को, व्यवसायियों को जिनके नाम खराब सूची में दर्ज है उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा सुनने में वाले ये बात भी आई है कि 30-35% OBC को ज़्यादा टिकट यहाँ पर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर OBC वर्ग की हम लोग बात कर रहे हैं और OBC वर्ग को यहाँ प्रतिनिधित्व ज़्यादा देने की जो कवायद है वो BJP में चल रही है। तो कहीं ना कहीं सुखबोगाहट ये भी है कि BJP के तमाम जो सूत्र है वो बताते हैं कि BJP OBC वर्ग को ज़्यादा पूछ रही है, शायद सवर्ण वर्ग को इस समय हाशिए पर रखा जा रहा है, ऐसी चर्चाएं भी चल रही है। देखिए देखिए, ऐसा कुछ नहीं है गौरव जी। जी हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नीति पे चलते, सर्वधर्म सद्भाव सबको लेके साथ चलने वाले लोग हैं। अच्छा। हमारे पास हर वर्ग के, हर तबके के लोगों की एक लंबी सूची है। अच्छा। रिजर्वेशन के अनुसार हमारे ही पास एक ऐसी स्थिति जो जो नया रिजर्वेशन चार्ट उसके अनुसार हमारे पास सर्व संख्या में प्रत्याशी है। जी। उसमें जो जिताऊ होगा, जो मजबूत होगा, जो चुनाव निकालने की स्थिति होगा, उसी को टिकट देकर हम सब लोग उसको जिताने में लगेंगे। जी। और हमारा स्पष्ट विश्वास है पर है कि हम कुछ इस तरह से तमाम चुनाव में जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है, इस चुनाव में भी जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हम उत्तर प्रदेश में अपने तीसरे इंजन को टिकट नहीं देंगे इस बार। प्रचंड दागियों को टिकट नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी की मंशा हमेशा से रहती है कि अपराधियों को राजनीति से बाहर किया जाए। अच्छा। अगर कोई अपराधी है, दागी है, जो अपराधी सदन में बैठे हैं क्या करेंगे? जो अपराधी सदन में बैठे हैं जिन पर कई मुकदमे हैं उनका क्या करेंगे? देखिए, जिनके ऊपर मुकदमे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने MP MLA कोर्ट का गठन किया है और लगातार MP MLA कोर्ट अपना काम कर रही है। जी। ऐसे दागियों को सजा भी हो रही है, इसमें अतिक्रमण का प्रकरण आपके संज्ञान के लिए ताजा उदाहरण है। इसके पूर्व भी बहुत से विधायकों को हमारे सजा हो चुकी है, जो कुछ हमारे दल के भी, कुछ अन्य दलों के भी है, जो सजा पाते जा रहे हैं, सदन से, विधानसभाओं से बाहर होते जा रहे हैं। बहुत बढ़िया बात, ठीक है। रविन प्रताप सिंह, वो प्रक्रिया लगातार चल रही है। रविन भाई, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, भाजपा का आधार, उनकी टैगलाइन, उसी नीति पर चलती हुई भाजपा। चुनाव महत्वपूर्ण है, निकाय चुनाव की आरक्षण की अधिसूचना जारी हो चुकी है, बहुत जल्दी घोषणा भी हो जाएगी चुनाव की। समाजवादी पार्टी लगातार अपने आप को चुनौती बनाए हुए है, कहना है कि BJP को इस बार हम कड़ी चुनौती देंगे, पर वहां पर बैठकों दौर चल रहा है। तो अगर सपा की हम बात करें तो समाजवादी पार्टी में उतनी सक्रियता हमारे को नजर नहीं आ रही। खैर, अब बैठकें यहाँ भी चल रही होंगी, नियुक्ति यहाँ भी चल रही होंगी और बातें यहाँ भी चल रही होंगी, रणनीति यहाँ भी बनाई जा रही होगी। पर जिस तरह से यहाँ पर आप लोग आरोप लगाते हैं BJP को OBC आरक्षण पर कि OBC के लिए BJP कुछ करना नहीं चाहती है, इसीलिए जाति जनगणना नहीं कराना चाहती है, आज भी ट्वीट आ गया है, और BJP का कह रहा है इस बार दागियों टिकट नहीं दे, क्या ऐसी कुछ परंपरा आपके यहाँ भी चलने वाली है या ऐसी कुछ नीति आप भी बनाने वाले हैं कि इस बार दागियों को टिकट नहीं? जी, पहला मुद्दा है OBC आरक्षण का, तो माननीय उच्चतम न्यायालय को जी आपके टेलीविजन चैनल के माध्यम से धन्यवाद देते हैं जी कि बिना ट्रिपल ट्रस्ट के जी जो उत्तर प्रदेश सरकार जी निकाय चुनाव कराना चाहती थी उस षड्यंत्र में सफल नहीं हो पाई। बहुत बढ़िया, क्योंकि ऐसा एक टेस्ट ये लोग
इको आ रही है, क्योंकि ऐसा एक टेस्ट ये लोग मध्य प्रदेश में कर चुके हैं जहां बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव करा दिया था जी। तो माननीय न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा प्रश्न, आपने कहा कि 33% से ज्यादा आरक्षण महिलाओं को दिया गया है जी, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2010 में जी सदन में मतलब लोकसभा में वुमेन रिजर्वेशन बिल का विरोध किया था अपनी पार्टी लाइन के विरुद्ध जाके। अच्छा, तो उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया, उसके लिए भी धन्यवाद है। अच्छा, अब जरा इनका जो आप ओबीसी की बात कर रहे हैं आरक्षण की, तो इनका मूल चरित्र समझ लीजिए। 1990 में मतलब 1990 में आदरणीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी 27% आरक्षण लेके आए मंडल कमीशन के अनुसार जी। भारतीय जनता पार्टी ने घोर विरोध किया और उनकी सरकार को गिरा दिया और कह दिया हिमाचल प्रदेश में उनकी सरकार थी कि हम वहां नहीं लागू करेंगे। मोहन भागवत जी ने 2019 में अभी कहा है कि आरक्षण नीति की समीक्षा होनी चाहिए जी। इन्होंने ही मोहन भागवत जी ने 2015 में कुल्लू में और बिहार चुनाव से पहले कहा कि आरक्षण नीति की समीक्षा होनी चाहिए या आर्थिक आधार पर दिया जाना चाहिए जी। अब आइए मूल भावना कहाँ आती है। बीजेपी एक प्रकोष्ठ है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। अच्छा, उसके जो जो दूसरे सरसंघ चालक थे आदरणीय गुरु गोलकावकर जी, जी उन्होंने अपनी एक किताब लिखी है विचारधन जी। उस विचारधन में उन्होंने लिखा है कि जात के बदले आर्थिक आधार पर आरक्षण किया जाए। बिल्कुल। फिर जयदेव जी एक एक, एक प्रसिद्ध राइटर थे, जयदेव जी ने एक किताब लिखी आरएसएस जी, उसमें उन्होंने लिखा है कि संविधान निर्माण के दौरान गुरु गोलकावकर जी ने आरक्षण का विरोध किया। तो ये किस चीज का ओबीसी समर्थक अपने को कहने लग गए। हम लोग जब ओबीसी की बात करते हैं तो हम पिछड़े दलित वनवासी एससी सभी की बात करते हैं। रविन भाई, मेरा एक सवाल रहेगा, अभी आप षड्यंत्र बोल रहे थे कि बीजेपी का षड्यंत्र का 5 दिसंबर को जो अधिसूचना जारी की थी वो षड्यंत्र का बिना ओबीसी आरक्षण को सही कराए चुनाव कराना चाहते थे, क्या लाभ मिलने वाला था जो सडन बोल दिया आपने? बिना बिना ट्रिपल टेस्ट के वो आरक्षण करा रहे थे, इसीलिए उनको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि पहले आप ट्रिपल टेस्ट कराइए, क्योंकि ट्रिपल टेस्ट का जो आदेश है वो विकास किशन गवली बना महाराष्ट्र का केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट पहले दे चुका है जी। तो आप क्यों बिना ट्रिपल टेस्ट के आरक्षण की क्या लाभ मिलने वाला है? षड्यंत्र से लाभ क्या मिलता है उनको? जो षड्यंत्र आपने बोला है, शब्द बोला है जो आपने, षड्यंत्र से क्या लाभ मिलता है उनको? षड्यंत्र का लाभ वही मिलता है जो मध्य प्रदेश में मिला इन्होंने। अच्छा, कि जो ओबीसी की सीटें थी जी उसको चाहे घटा सकते थे बढ़ा सकते थे, क्योंकि माननीय हाईकोर्ट ने कह दिया था कि बिना आरक्षण के चुनाव कराइए जी। इसलिए इनको सीटें तो उतनी हैं, अभी भी ओबीसी को 205 सीटें ही मिली हैं, सीटें तो यहाँ भी नहीं बढ़ी हैं। अब ठीक है, अगर आप जो टोटल सीटों 762 को 27% करते हैं जी तो 205 ही आता है जी। पर हाँ, पर फेरबदल हुआ है, कई जगहों पर फेरबदल हुआ है ये। हाँ ठीक है, उन्होंने फेरबदल तो ऐसे किया जाता है जी कि वो इनकी पार्टी जो है फीडबैक मंगाती है, कहाँ हम कमजोर हैं कहाँ मजबूत हैं, उस हिसाब से आरक्षण का रोटेशन कर देती है। तब इनको डिसाइड करने पर आरक्षण को कराने का मतलब क्या? 3 लेटर्स को जब आप बोल रहे हैं इनकी पार्टी डिसाइड करती है। अब देखिए जो जो ट्रिपल टेस्ट है जी, ट्रिपल टेस्ट की जो गाइडलाइन है कि आयोग गठित हो जी, वो वार्डों में जाए, पिछड़ों के स्थिति की समीक्षा करे जी, फिर एक रिपोर्ट दे जी, इस रिपोर्ट का परीक्षण अनुमोदन किया जाए जी, तब जाके चुनाव हो। ठीक है, आप रिपोर्ट संतुष्ट है रविन भाई? रिपोर्ट जो है संतुष्ट है उससे आप? माननीय सुप्रीम कोर्ट का चूंकि आदेश है जी, इसलिए उस रिपोर्ट पे हम कुछ भी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं जी, क्योंकि अगर करते हैं तो यह अवमानना की श्रेणी में आए। ठीक है ठीक है, जयराम भार्गव सुभाषपा। जयराम भाई, सीटें उतनी मिली है पर फेरबदल जरूर हुआ है, कई जगह प्रमुखता मिली है, खासतौर से अगर नगर निगमों की बात करें 17 नगर निगमों में, कई नगर निगमों में यहाँ पर पिछड़ा वर्ग महिलाओं को
आरक्षण मिला है, अच्छी बात है, महिला को यहाँ पर लाभ भी मिल रहा है और कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो निकाय रहेगा उसमें महिला की प्रतिनिधित्व बढ़ेगी और निश्चित रूप से उसका लाभ भी यहाँ पर देश को मिलेगा, जनता को मिलेगा और खासतौर से देश की आधी आबादी यानी महिलाओं को भी मिलेगा। पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर बीजेपी का कहना है हम ओबीसी वर्ग के साथ है, दागियों को टिकट भी नहीं देंगे और एक अच्छी नीति के साथ यहाँ चुनाव लड़ेंगे और ओबीसी वर्ग को जो अब तक पार्टियां ठगती आई हैं उस वर्ग को यहाँ पर लाभ देने का प्रयास करेंगे, ये बीजेपी का कहना है। जी जयराम भार्गव सुभाषपा। देखिए गौरव भाई जी, पार्टी चाहे भाजपा हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, अच्छा दोनों ने पिछड़े जात को ठगने का काम किया है, अच्छा ये इसको कोई भूलेगा नहीं। अच्छा भूलेगा नहीं। समाजवादी सरकार में स्वर्गीय आदरणीय मुलायम सिंह जो मुख्यमंत्री थे तो अत पिछड़ों अत दलितों को जो प्रमोशन में आरक्षण मिलता था उसको खत्म करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। अच्छा अखिलेश को समय मिला था सुधारने के लिए 2012 से 17 के बीच में, इन्होंने भी सुधारा कोई काम नहीं किया। आज समाजवादी पार्टी जो है अत पिछड़ों को अत दलितों की बड़ी हितैषी बन रही है, क्योंकि विपक्ष में बैठे हैं कुछ न कुछ तो बोलना है इनको। अच्छा जब इनकी सरकार थी 4 सितंबर 2013 को माने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोर्ट किया था, उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी थे, कोर्ट ने यही तो कहा था कि आपकी सरकार में उत्तर प्रदेश में जो 79 जातियां हैं उसमें से 12 जातियां लाभ ले चुकी हैं, बाकी सर्वाधिक जो पिछड़ी जातियां हैं अच्छा। उनको लाभ देने के लिए सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करके सबको देने का काम करिए। तब ये लोग भांग खा के सो रहे थे, तब इनको समझ में नहीं आ रहा था अच्छा। जब देने की बात थी तो भाजपा ही बोल दीजिए, सपा पे बोलते रहे, भाजपा पे बोल दीजिए, भाजपा का नाम मैं बता रहा हूँ, वही आ रहा हूँ, वही आ रहा हूँ, सुन लीजिए। सपा को पहले लेते हैं आप, भारतीय जनता पार्टी का सुनिए, भारतीय जनता पार्टी कौन सा कम है। हाँ 18 दिसंबर 2018 को 30 दिसंबर 2018 को राघवेंद्र सिंह उनके नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग आयोग जो बनाया गया था उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दिया अच्छा कि उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए 3 कैटेगरी बनी, पिछड़ा पिछड़ा सर्वाधिक पिछड़ा, पिछड़ा में 7 है, अत पिछड़ा में 9 है, सर्वाधिक में 11 है। और ये लागू करने के लिए ये जो आज के सच्ची मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं उनके नेतृत्व में आज तक टेबल पे धूल भाग रहा है। अच्छा भारतीय जनता पार्टी के जितने कैबिनेट मंत्री पिछड़ी जात के लोग हैं हाँ। किसी के मुंह में जवान नहीं है, ताला लगा हुआ है, इस पे कोई डिबेट करने को तैयार नहीं है। अच्छा किसी बोलने हिम्मत नहीं, अगर बोला जाएगा कि लोगों को तो मंत्रालय जाएगा उसकी जीव काट लिया जाएगा। अच्छा। ये भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ी जात के नेताओं के तब भी आपके राष्ट्रीय से आप लगातार मुलाकातें कर नजदीकें लगातार बढ़ रही है, कल भी नजदीकें बढ़ी थी। जी बोल लीजिए, सुन तो लीजिए, सुना दीजिए, सुन तो लीजिए भाई, भाई सुनिए। देखिए वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, सपा तो काम करेगी नहीं, कांग्रेस तो करेगी नहीं, बसपा से करेगी नहीं। अच्छा। उम्मीद किससे लगाई जाए? अच्छा। जो वर्तमान में सरकार उससे उम्मीद यही लगाई, बिल्कुल लगाइए लगाइए, नहीं किए हाँ। तो कम से कम इसमें कर दे। दूसरी अच्छा। बात आज अगर ये सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू हुआ होता तो इसी 27% आरक्षण में उन अत पिछड़ी जातियां जो उत्तर प्रदेश में 38% अत पिछड़ी जातियां वास करती हैं उन्हीं अत पिछड़ी जातियों में सर्वाधिक वोट जो है चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो चाहे सपा की रही हो विगत में कांग्रेस की रही हो इन लोगों ने इनकी सरकार बनाई वही 38% जो अत पिछड़ी जातियां हैं आज भारतीय जनता पार्टी को वोट करके सरकार बना रही है लेकिन ये अत पिछड़ी जातियां इनको भी अवलोकन कर रही है देख रही है। अच्छा आप हमारे हक अधिकार के साथ किस तरह भेदभाव करने का काम कर रहे हैं, देना कोई सरकार नहीं चाहता है। अच्छा और ढोल पीटना तो सभी को ही करते हैं। अच्छा मैं तो कह रहा हूं जब हमारी पार्टी 27 अक्टूबर 2002 को बनी थी सुरेंद्र भारतीय समाज पार्टी तब से लेके अनवरत आज हम 20 साल से लगातार सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट अच्छा। और जातिवार जनगणने की मांग हमारी पार्टी हमेशा करती रही, कभी इस पे किसी के कान में जू नहीं रहेगा। अच्छा वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो सपा की नहीं हो किसी ने इस पे काम करने का काम नहीं किया। जब आदरणीय नेताओं प्रकाश राजभर चाहे सदन हो चाहे सड़क हो चाहे चौपट्टी हो या सभा बनाओ जब वहां पे इन जातियों का हक अधिकार की बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होता है कि आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर उन अतपीड़ी जातियों की बात क्यों करते हैं। लेकिन हम लोगों ने उठाना है कि जब तक जातिवार जनगणना नहीं करा लेंगे सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करा करके उनको हक अधिकार नहीं दिला देते तब तक हम आवाज उठाते रहेंगे। अब आते निकाय चुनाव की सूचना पे आप देखेंगे जो नगर पंचायत नगर अध्यक्षों की नगर पालिका अध्यक्षों की उसकी तो सूचना है लेकिन वार्डों में आज भी आरक्षण नहीं है।
जज का तर्क जैसे पुराने में था 2017 का जो उठा के देख लो या उससे पहले का देख लो, सेम वही प्रक्रिया चला आ रहा वार्डो में। तो इसकी भी अच्छा बीजेपी इतना विरोधी है, अब इतना बीजेपी के विरोधी है, सपा के विरोधी है, तो बीजेपी से आपकी मुलाकातें क्यों होती है? कभी ब्रजेश पाठक से आपके अच्छा, मिलते हैं, कभी दयाशंकर से मिले थे, बड़े ही वहां पर हंसी के साथ मुलाकातें हो रही थी। तो अगर यहाँ पर आप वास्तव में ओबीसी के लिए इतने संघर्षरत हैं, तो वहां पर मुलाकातों के बाद जो बयान आते हैं, उन बयानों में ओबीसी वर्ग की बात क्यों नहीं होती है? उन बयानों में ये क्यों नहीं कहा जाता है कि आप ओबीसी वर्ग के लिए यहाँ पर मिलने गए थे? ये क्यों कहा जाता है शिष्टाचार मुलाकात हुई थी? तो शिष्टाचार मुलाकात के मायने भी तो होने चाहिए दयाराम भाई, ये स्पष्ट कर दे। आपके राष्ट्रीय क्यों नहीं बोलते हैं कि ओबीसी वर्ग के लिए या सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के लिए या ओबीसी वर्ग को यहाँ पर लाभ दिलाने के लिए मिलने गए थे, ऐसे बयान दे रहे? तो बयान तो वहां दूसरे दिए जाते हैं, बता दीजिए, बोल दीजिए, जवाब आपको ही देना है, बोल दीजिए। जो 17 जातियां एससी के कैटेगरी में जी, जिसको झूला बनाया, मंदिर का जो है घंटा बनाया, समाजवादी पार्टी, बसपा ने, कांग्रेस ने, अच्छा, बीजेपी वही कर रही है। अच्छा, 17 जातियों को जब उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती हो, शिक्षक भर्ती हो या आंगनबाड़ी की भर्ती हो, अच्छा, तो उन 17 जातियों को सबने खिलवाड़ बना करके केंद्र के पाले में डालने का काम किया। उन 17 जातियों को कभी भी आज तक लाभ नहीं मिला। 3 दशक से 30 साल बीत गए, वो तो ना इधर बेचारे रह जाते ना उधर रह जाते। अच्छा, उन्हीं को लेकर के माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, अच्छा, जब ये कहा था योगी सरकार ने, जब कहा कि हम इन 17 जातियों को एससी में डालने का काम करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में जो सहकारी मंत्री है उन्होंने, अच्छा, खुद कोर्ट किया था ये काम, जो लोकसभा राज्यसभा का है और जो है किसी राज्य के मुख्यमंत्री का नहीं है। तो इसको समझिए गौरव भाई, प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है पढ़े लिखे हैं, उनको ये जानकारी था कि हमारे माध्यम से नहीं हो सकता। जब ये लोकसभा और राज्यसभा का मतलब था तो ये सरकारें, चाहे सहयोग से रही हूँ केंद्र, चाहे विगत में कांग्रेस की सरकार, आज भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार हो, अच्छा, लेकिन किसी ने भी इन 17 जातियों को एससी में डालने के लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं करती। इसी को लेकर के आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर जब क्या नाम है मुख्यमंत्री योगी जी से मिले थे, तो समाजवादी के साथ ही सब लोग कह रहे थे बीजेपी में जा रहे। दूसरी बात जो मिलने मिलाने की दयाशंकर की बात है, आप देखेंगे, अच्छा, आपको 18 सीटें मिली थी चुनाव लड़ने के लिए सपा से, कितने ओबीसी वर्ग को दिया था? 16 मिली थी। ओबीसी वर्ग को कितनी सीटें दी थी आपने? कितने ओबीसी वर्ग के टिकट दिए थे वो बता दीजिए। मैं बहुत अच्छी बात आपने देखिए, हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मैं तो आपको बहुत नमन करता हूँ। हाँ, मेरे पास आंकड़े हैं, पूछ रहा हूँ, हाँ, बता दीजिए। देखिए, हाँ, मैं बता रहा हूँ, हाँ, देखिए, 16 में से 5 सीटें हमें स्वतंत्र किए थे श्री अखिलेश यादव जी, अच्छा लीजिए, 11 सीटें स्वयं समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता या उनके, आप हर बार आरोप लगाते हैं दयाराम भाई, गलत बात है, मेरी बात तो सुन, मैं प्रत्यक्षम किम पर रहा, मैं तो प्रत्यक्ष, हटा दीजिए उन विधायकों को अगर सपा के हैं वो, मैं सुनिए सुनिए, मैं बता रहा हूँ, विधायक कर लीजिए, बोल लीजिए, हाँ बोलिए, सुनिए सुनाइए, तो देखो ऐसा है, हाँ, गौरव भाई आप अच्छे पत्रकार हैं, समझिए, हम, हाँ, जनता की आवाज है, हम जनता की बात करते हैं, हाँ, हम लाव लपड़ वाली बात नहीं करते, हकीकत और आप जिसके साथ उसकी तारीफ करते हैं उसके दूसरे की बुराई करते हैं, आपके बल ये करते हैं, मुझे भी ये पता है, नहीं नहीं, हाँ, हम जनता की बात करते हैं, हमने जब भी बात करी होगी उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जन, अच्छा ये बताएं, हमारी पार्टी की हमेशा मांग रही है रोजगार परीक्षा लागू हो, तो केवल बताइए किसके लिए है? वो तो पूरे देश के लिए है ना, मुद्दा ना भटकाइए, जनता है उसके लिए। 16 में कितनी सीटें आपने दी थी वो बता दीजिए हमको, 16 में कितनी सीटें ओबीसी को दी थी? हमें 5 सीटें जो मिली थी, हाँ, 16 मिली थी, 16 5 नहीं मिली, 16 मिली थी, 16 मिली थी, 16 में 5 सीटें स्वतंत्र थे, 11 सीटें श्री अखिलेश यादव ने तय करके भेजा था, अच्छा, हमारे सिंबल पे लड़ने के लिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, अच्छा, अगर हमारे निर्णय से हुआ होता, हाँ, हम 16 का 16 जीत के आते, अच्छा, हम 16 का 16 जीत के आते, अच्छा, लेकिन हुआ था समाजवादी, पूछ लेता हूँ रविन भाई से, पूछ लेता हूँ वहाँ कहा गया, ठीक है रविन भाई, पूछ रविन भाई, बड़ा दर्द है इनको, बता नहीं पा रहे हैं कितनी सीटें देंगे, बोल रहे हैं आपने 11 पे आपने अपने प्रत्याशी तुरवा दी थे हमारे अनि सिंबल के नाम पर और केवल 5 सीटें इनको दी थी। रविन भाई आवाज नहीं आ रही है जी, लगाऊंगा जैसा ये आवाज बढ़ाई जाए जी, जी गौरव भाई आवाज बढ़वाए, आवाज नहीं आ रही है, रविन भाई आवाज बढ़ाई जाए भाई जी, रविन भाई इतना मैं जरूर कहूंगा, जब हमारे साथ थे तो आपके लीडर ने हम लोग का मजबूती से पक्ष रखते हुए तो कहा था जी कि ऐसी जगह भेजेंगे जहां उनको भीख मांगना पड़ेगा, अच्छा, तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे सहयोगी रहे हैं तो जिस प्रकार से ये हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं हम भी लगावे जी, कोई फायदा नहीं होगा जी, बात हो रही है
ओबीसी समाज की जी, अब हमसे अलग हो चुके हैं, ऐसे ऐसे पार्टी के साथ में दिखाई पड़ते हैं। अच्छा, या पहले रह भी चुके हैं जहां प्रताड़ित किए गए थे अपने शब्दों में। अच्छा, फिर उन्हीं के साथ जा रहे हैं, उस पार्टी का मूल चरित्र मैं बता चुका हूँ। अरे नहीं जा रहे भाई, मुलाकात हो रही, जा नहीं रहे, मुलाकात हो रही केवल। चलिए नहीं जा रहे हैं तो अच्छी बात है, ओबीसी समाज के लिए लड़े और जिसकी हमारी लड़ाई है और हमारे साथ आवे, जो हम जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं उसमें हमारा साथ दे, और किसी भी परिस्थितियों में जो ये टिकट बांटे हैं अपना जी नगर निकाय चुनाव में जी, कोशिश करें कि अधिक से अधिक ओबीसी जी, करीब 52% आबादी है ओबीसी बिल्कुल समाज की, बिल्कुल है, तो 52% टिकट तो कम से कम ओबीसी समाज को ये लोग दें जी, जो हम लोग करेंगे जी। भारतीय जनता पार्टी से भी हमारा अनुरोध है कि वो 52% टिकट ठीक है ओबीसी समाज को दे दे। ठीक है जी, तो इन्होंने जो कुछ भी आरोप लगाए जी, हम इसको अनदेखी कर देते हैं। अच्छा, अनदेखी कर, हम ये मानते हैं कि हमारे साथी रह चुके हैं। अच्छा, साथी रह चुके हैं, ठीक है, आज भी प्रेम बाकी है। ठीक है विवेक श्रीवास्तव भाई, आज भी इनका प्रेम बाकी रहा, भाई ने तो इनको धर्म की बात पर कुछ नहीं बोला, कहते चले भाई कोई बात नहीं, पुराने साथ ही रहे हैं बेबी भाई, पर जिस तरह से ये आरोप आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं, पहले सपा को उन्होंने घेरा, बोल रहे हैं आपको भी घेर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप लोग ओबीसी की और बात करते हैं ना, सामाजिक न्याय समिति रिपोर्ट को आप लागू करते हैं ना, ओबीसी के आरक्षण की आप बात करते हैं ना, जाति जनगणना की आप लोग बात करते हैं, केवल आपकी बातें हैं ओबीसी वर्ग को केवल छलने का, उनका वोट बैंक लेने का केवल आपका जो सपना है उसी को आप पूरा करते आए हैं जी। देखिए गौरव जी, जातीय जनगणना जहां जहां हुई वहां पे उसकी आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए जी, कर्नाटक इसका उदाहरण है जी, और जहां तक सामाजिक न्याय समिति की बात है जी, तो सामाजिक न्याय समिति बनाई किसने थी जी, जो सामाजिक न्याय की आज बात हो रही है जी, और जिस तरह से दयाराम भार्गव जी जी आरोप प्रत्यारोप की बात कर रहे हैं जी, ये कुछ उस तरह की राजनीति में जा रहे हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी आरोप लगाने की बात विषय ये है जी, कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबकी विश्वास की बात करती, सबको लेकर के चलने की बात करती, हमारे दल में हर बिरादरी के हर वर्ग के एक लंबे मैं लिखवा लेता हूँ, ठीक है बेबी भाई अपनी बात पूरी करिए, बेबी भाई बोलिए। और जब पिछले बार नगरीय निकाय की सूची जारी हुई जी, लोगों ने आरोप लगाया कि पिछड़ों के आरक्षण के साथ खेल हो गया जी, जबकि ऐसा नहीं था, 205 सीटें तब भी थी, 205 सीटें अब भी है जी, हाँ महिलाओं का परसेंटेज बढ़ा है जी, लेकिन सरकार ने अपनी मंशा उस समय भी स्पष्ट की थी कि बिना पिछड़ों के आरक्षण के हम चुनाव कराने नहीं जा रहे, आज पिछड़ों का आरक्षण जारी हो चुका है, जल्द ही चुनाव की तिथियां भी आ जाएंगी जी, और चुनाव होगा जी। अब इस तरह की बातें छोड़ करके अपने अपने सांगठनिक क्षमता पे लोग काम करें जी, और मैदान में आए, भारतीय जनता पार्टी अपनी संगठन क्षमता की बूते जी हमेशा 365 दिन जनता के बीच रहती है। अच्छा, हमारा संवाद जनता से हमेशा कायम रहता है जी, ये लोग बार बार भले कहें कि बीजेपी तो हमेशा चुनावी मोड में रहती है, लेकिन ये तब संभव है जब हमारे पास कार्यकर्ताओं की एक लंबी चौड़ी टीम है और हम 365 दिन जनता के बीच रहते हैं, केंद्र की और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ अच्छा जनता तक कैसे सीधे पहुंचे। अच्छा, सपा वाले बोल रहे हैं कि आप ओबीसी को सीटें ज्यादा देंगे, इस बार मेहनत करिए और ओबीसी वर्ग को यहाँ पर प्रतिनिधित्व ज्यादा देने की बात उन्होंने कही है, क्या सीटें ज्यादा देंगे इस बार, आप टिकट ज्यादा बांटेंगे ओबीसी वर्ग को जहाँ पर अनरिजर्व्ड है सीटें, जहाँ पर अनरिजर्व है सीट है वहां पर ओबीसी वर्ग को प्रमुखता देंगे आप? देखिए, किसी भी दल का आंतरिक विषय होता है जी कि उस सीट पे कौन जीत सकता है। अच्छा, जिस कैटेगरी की सीटें हैं जी
उसपे कौन जीत सकता है, कौन जीत दर्ज कर सकता है, इस दृष्टिकोण से हर राजनीतिक दल चिंतन करता है। अच्छा, उसी दृष्टिकोण से हमारा भी चिंतन होगा। ये सत्य बात है कि हमारे पास हर वर्ग में एक लंबी सूची है जो सीटों पर लड़ने के लिए इच्छुक है। अच्छा, उसके अनुसार हम निर्णय करेंगे। दयाराम भारो कुछ बोल रहे थे, कौन सीट जीत दे सकता है। दयाराम कुछ बोल रहे थे, दयाराम भारो कुछ पूछ रहे हैं आपसे। दयाराम भारो क्या पूछ रहा है भाई? पूछ रही देखिए क्या नाम है? गौरव भाई, मुझे का समय दे तो मैं पिछड़ी जात की नुमाइंदगी के बारे में थोड़ा समय चाहता हूँ। बता दीजिए, मुझे बीच में कोई ना बोले, मैं बताता हूँ। देखिए, पिछड़ा समाज जो है 1953 से धोखा खाता आ रहा है। अच्छा, ये आज का कोई झोल नहीं है। अच्छा, 1953 में जो काका कालेलकर आयोग बना था। अच्छा, ये आयोग 1955 में जो अपनी रिपोर्ट दाखिल किया और उसके बाद ओबीसी उसने लिखा, उसमें काका कालेलकर ने कि ओबीसी समाज को 52% जो है आरक्षण मिलना चाहिए, हक मिलना चाहिए। अच्छा, लेकिन उसके बाद 23 साल तक क्या नाम है, ये रद्दी के टोकरी में पड़ा रहा। उसके बाद 1978 में चौधरी चरण सिंह जी की सरकार बनी, फिर काका कालेलकर आयोग लागू करने के लिए सदन में दबाव बनाया गया। अच्छा, लेकिन 1978 में ही उनके तेवर दिखाते ही फिर प्रधानमंत्री मुरारजी देसाई रहे, उन्होंने कहा कि ये पुराना बिल है। अच्छा, नया करो। उन्होंने 1978 में विंध्योश्री मंडल की नेतृत्व में कमेटी बनाया, वो कमेटी की रिपोर्ट 1980 में आती है। उसके बाद 1980 से लेकर 1990 तक जो है टोकरी में रहा। उसके बाद मंडल आयोग ने इस टोकरी को पड़ी रही। फिर उसके बाद पिछड़े वर्ग के लोगों ने जब पूरे देश में 1990 में एक प्रकार का आंदोलन चला, तो उस आंदोलन के उस समय प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय बीपी सिंह जी, उन्होंने इस आरक्षण को जैसे लागू किया, उसके बाद आप देखिए भारतीय जनता पार्टी जहां मंडल लागू होता है वहां भारतीय जनता पार्टी का मंडल लेके चलती है। पिछड़ों के साथ धोखा नहीं है तो क्या है, इसमें कुछ बोल पाएंगे? उसके बाद देखिए, ये तब भी 3 साल तक रग्गी के टोकरी में रहा। 1993 में जाकर के ये लागू हुआ, तो इनको 27 जोड़ा आरक्षण मिला। उसके बाद जब ये मिला तो उसके बाद 2001 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आज के रक्षा मंत्री आदरणीय जो है राजनाथ सिंह, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को उन्होंने 3 कैटेगरी में करने का काम किया, लेकिन उनकी सरकार चली जाती है। उसमें पर पिछड़ा को 7% था, पिछड़ा को 9, सर्वाधिक को 11 था। उसके बाद जब इनकी सरकार चली जाती है 16 जुलाई 2016 का, फिर हमारी पार्टी जब भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में आती है, उसके बाद 17 में जब उत्तर प्रदेश में आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर पिछड़ा वर्ग के कैबिनेट मंत्री बनते हैं। अच्छा, तब इसी मुद्दे को लेकर सामाजिक न्याय समिति के लोग, एक सवाल मेरा रहेगा आपसे, 1981 से राजनीति शुरू करने वाले ओम प्रकाश राजभर ने कितने बार ओबीसी वर्ग के लिए बात की? बसपा में रहे, उसके बाद नाराजगी हो गई, उसके बाद अपनी पार्टी बना ली, भाजपा के साथ जुड़े, सपा के साथ जुड़े, कितने बार ओबीसी वर्ग के लिए संघर्ष किया अब से पहले? क्योंकि आपने हमें 1955 78 80 सब सुना दिया, उनका संघर्ष बता दीजिए। मैं आपको संघर्ष नेता जी का अगर उठा के देख लीजिए, इतिहास अगर आप देखेंगे, बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में जब अलग हुए थे तो जो आज संत कबीर नगर बना हुआ था, वो जो महाराज भरो की वहाँ कोठी थी उसके नाम पे भदोही हुआ करता था। नेताजी ने यही कहा कि ये मेरे पिछड़े समाज का, पिछड़े समाज के नाम पे भदोही है, इसको चेंज मत करो। तो बहन जी ने कहा नहीं, अब हमने घोषणा कर दिया ये संत कबीर रहेगा। नेताजी ने कहा तुमसे मैं अलग जाता हूँ, मैं इसी को लेकर के चलूंगा। तो पिछड़ों के आरक्षण के लिए बहन जी ने भी धोखा दिया, मैं फिर बता रहा हूँ इस बात को। अच्छा, और संघर्ष की बात करते हैं, अगर ये नेता हूँ प्रकाश राजभर की, उनकी अगर संघर्षों की गाथा देखिए तो उत्तर प्रदेश में कौन नेता उनके बराबर ठहरता है? कोई नहीं ठहरता। जिस नेता ने शुरुआत से लेके आज तक उन वंचित समाज के लोगों के हक और अधिकार को लड़ाई लड़ने के लिए जेल में गए, थाने में गए, लटकाए, पिटे कितने, अनंत उनकी वीडियो है, धरना प्रदर्शन उनका देख लीजिए। तो गौरव भाई, इस गाथा को बताने में समय लगेगा, क्योंकि ये नेताजी का संघर्ष 20 साल का ऐसे ही नहीं है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी से कह रहा हूं, 35 साल का संघर्ष है ओमप्रकाश राजभर जी का, मुझे पता है। मैं यहाँ संघर्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि संघर्ष अपनी जगह है, और जिस ओबीसी वर्ग के लिए आप लगातार सपा भाजपा कांग्रेस बसपा सबको घेरते हैं, उसके लिए आप कितनी बार संघर्ष में हुए हैं, कितनी बार धरातली संघर्ष हुआ है? जी
आप हमारी रैलियां देख लीजिए ना भाई, वो तो सोशल मीडिया पे व्याप्त है। अच्छा, हम तो वंचित समाज पिछड़े समाज की लड़ाई के लिए हमेशा लड़ रहे हैं, गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, कौन सी उसमें नई बात आप हमें बता रहे हैं? हमारी जितनी रैली अभी गौरव भाई जी, सात सुनिए, 7 अप्रैल 2023 को मैनपुरी में एक विशाल हमारा जो है होने जा रहा है कार्यक्रम, उसमें आप देखेंगे जी। हम लोग हमेशा अनवरत कार्य करते रहते हैं। अच्छा, गौरव भाई ये कोई नई बात नहीं है, हम तो जनता के बीच में है, उत्तर प्रदेश के जो 25 करोड़ जनता उनके बीच में, क्या हक अधिकार, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, दवाई को लेकर के हमेशा मुखर रहते हैं। और दूसरी बात, हम सत्ता में थे तब भी प्रश्न करते थे, हम विपक्ष में तब भी प्रश्न करते हैं, लेकिन जिस सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लेकर के हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ते रहे और भारतीय जनता पार्टी उसको लागू नहीं करी, तो पिछड़ों को हक अधिकार कैसे भारतीय जनता पार्टी? भाई मैं मान सकता हूँ, तो मैं मान सकता हूँ ओमप्रकाश राजभर और सुभाषपा यहाँ पर ओबीसी आरक्षण के लिए, ओबीसी वर्ग के लिए की बेहतरी के लिए संघर्ष करेगी, और संघर्ष के आड़े अगर बीजेपी आएगी तो बीजेपी के साथ भी यहाँ पर नहीं जाएगी, मुलाकातें होती रहेगी, पर चुनाव अकेली लड़ेगी ओबीसी आरक्षण के लिए और ओबीसी की बेहतरी के लिए। क्या मैं मान सकता हूँ ये बात को? निकाय चुनाव में हमारी पार्टी स्वयं अकेला लड़ेगी, मैं कहता हूँ। चलिए, हम किसी से गठबंधन नहीं कह रहे, पहले इसको चुन लीजिए, सुना लीजिए। दूसरी बात, लोकसभा का चुनाव है, वो हमारा संसदीय बोर्ड और आदरणीय नेताजी के नेतृत्व में जब बैठक होती है तो वो तय करते हैं, हमारी बात सुनिए। और किसी भी पार्टी का एक बयान होता है, उसका केंद्रीय बोर्ड होता है, उस बोर्ड में जब बैठक होती प्रस्ताव आता है, आखिरी निर्णय नेताजी के ऊपर होता है, सबकी चर्चा पर चर्चा होती है, तो कौन कहां होगा, सेपरेट लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, वो बात का विषय है। इस समय हम निकाय चुनाव में स्वयं अकेला मौजूदा उत्तर प्रदेश के 17 जिलों के निकायों में जाने का काम कर रहे हैं। फिलहाल सुभाषपा यहाँ ओबीसी की बात लगातार करती नजर आ रही है और यहाँ पर फिलहाल सभी दलों को घेरने प्रयास करिए। रविंद्र प्रताप सिंह, आखिरी कमेंट आपका जी। आवाज नहीं आ रही है। थोड़ा आवाज बढ़ाइए। जनता पार्टी का प्रमुख मतलब अध्यक्ष और संघ का प्रमुख जी ओबीसी समाज से निकल के आएगा, इसकी हम प्रतीक्षा करेंगे, सब इनके प्रेम को मानेंगे, कुछ इनके प्रेम में कुछ सत्यता है। अच्छा, ठीक है रवि भाई, इसी रवि भाई की बात का जवाब दे दीजिए जी। विवेक भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? रविंद्र भाई कुछ बोल रहे थे, रविंद्र भाई कुछ बोल रहे थे, दोबारा बोल दीजिए जी। रविंद्र भाई आपकी आवाज नहीं आ रही थी, बोलिए। अच्छा बोलिए, मैं ये जानना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से जी कि ओबीसी प्रेम दिखा रहे हैं, और मैं इनके ओबीसी प्रेम को बता चुका हूँ कि किस तरीके से आरक्षण का ये लोग विरोध करते चले आए हैं, किस तरीके से बिना ओबीसी आरक्षण के भी चुनाव करा दिए हैं जी। और अब अगर मान लीजिए ओबीसी के साथ प्रेम दिखा रहे हैं, सदन में भी दिखा रहे हैं जी, और उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी दिखा रहे हैं जी, तो दो मूल प्रश्न है कि जो इनकी मात्र शाखा है संघ, उसका प्रमुख ओबीसी समाज से कब आएगा जी, और जो ये भारतीय जनता पार्टी है जी, इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कब ओबीसी समाज से आएगा? विवेक श्रीवास्तव जवाब दे दीजिए भाई, संघ प्रमुख ओबीसी समाज से कब आएंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी समाज से कब आएंगे? अरे पिता जी कोई खींच करके स्वयं मुखिया बन जाए उसको क्या कहेंगे? लीजिए लीजिए रविंद्र भाई, आप पर कटाक्ष आ गया जयराम भार्गव का, जरा कुछ बोले आप जी। मैं कह रहा हूँ कोई पिता की कुर्सी खींच करके स्वयं प्रमुख बन जाए उसको क्या कहेंगे जी, वहां कौन सा संविधान है जी? जी हमारे इस प्रश्न से संबंधित नहीं है, ये जो बोलना चाहे बोले, इसका कोई मतलब नहीं होता। नहीं जयराम भाई, आप बार बार आपके ऊपर आरोप लगाते हैं, इस प्रकार के निम्न जवाब विवेक श्रीवास्तव दे रहा है, जवाब जयराम भार्गव दे रहे हैं। दोस्ती पक्की है या नहीं? देखिए जी, देखिए दोस्ती पक्की तो मैं नहीं कहूंगा किसी, दोस्ती पक्की नहीं बोलूंगा, मैं सामने देख रहा हूँ, मेरी दोस्ती उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता के साथ है, मैं 25 करोड़ जनता की बात। तो यहाँ पर सवाल विवेक चौधरी किया जा रहा है, जयराम भार्गव जवाब दे रहे हैं, दोस्ती पक्की समझूंगा मैं। जय
जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो इसमें कुशवाहा सेठ सैनी नाई जो है ये राजभर चौहान प्रजापति ये जातियां इनको क्यों नहीं याद आई? ये सिर्फ अब पिछड़ी जातियां बोरा भर भर के चार बार सरकार बनवाई तो इन जातियों को आपको नजर नहीं आया? आज हम विपक्ष में बैठे तो पिछड़ी जातियों की बात करते हैं, चलिए शर्म नहीं आती भारतीय क्या शर्म नहीं आती रमन भाई आपको लोगों को सपा वालों सर मारे बोल रहे हैं ऐसी भाषा पे शर्म आ जानी चाहिए निम्न स्तरीय बात करे उसके पास कोई तर्क ना हो उसके तर्क जवाब दे रहे अल्लाह की आवाज ठीक है। अरे चाचा शिवपाल का क्या पार्टी के मुखिया ने बताइए श्री अखिलेश यादव जी ने अपने चाचा शिवपाल को क्या क्या नहीं बोला और चाचा ने क्या क्या नहीं बोला आप हमको समझाएंगे भैया? पहले अपना तो झांक के देखिए क्या क्या करवाए अंतोगत्ता चाचा वही पे जाए तो ये कौन सी राजनीति चाचा क्यों हो रहा है ध्यान भाई आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? चाचा भतीजा का प्रेम है अलग हो गए जुड़ गए आपको दर्द क्यों हो रहा है? गौरव भाई मैं उत्तर दे देता हूँ बोल लीजिए ध्यान भाई उत्तर लीजिए परिवार कोई भी हो प्रभु श्री राम का रहा हो वहाँ पर भी विवाद हुए परिवार गौरव भांडो जी का रहा हो वहाँ भी विवाद हुए परिवार चौरे जी का रहा हो वहाँ भी विवाद हुए परिवार है तो विवाद होता रहता है इनके अपने परिवार में भी विवाद हो चुका है। मैं नहीं कहना चाहूंगा मैं करिए बात करता नहीं हूँ मैं तो परिवार है तो विवाद होता रहेगा और हमारे परिवार पे अगर नजर उठा रहे हैं तो अपने परिवार को उठा के देख के पहले उसकी बात बता भविन भाई दोबारा बोल दीजिए दयाराम भाई को सुन नहीं पाए बड़े नाराज हो रहे हैं। ये कह रहा हूँ जहाँ भी परिवार रहेगा वहाँ विवाद होगा। जो पहला युद्ध हुआ सृष्टि का रामायण लिखा गया राम रावण युद्ध वो भी पारिवारिक विवाद के कारण हुआ था। अच्छा दूसरा बड़ा युद्ध हुआ महाभारत अच्छा वो भी पारिवारिक विवाद के कारण हुआ था जी। सम्राट अशोक के परिवार में विवाद हो गया जी। इनके अपने अध्यक्ष जी के परिवार में विवाद हो गया जी। तो विवाद हर जगह होता रहता है। मेरे भी परिवार में विवाद हो गया मैं अलग नहीं रख रहा हूँ ठीक है। तो परिवार रहेगा तो विवाद होता रहेगा मैं गौरव भाई मैं वही तो बता रहा हूँ समाजवादी पार्टी पारिवारिक पार्टी है। अच्छा अभी मैं बताता हूँ उत्तर प्रदेश में एक क्या नाम भर्ती बोर्ड का आयोग बना था पांच भर्ती बोर्ड का आयोग बना था उसमें पांचों के पांचों बोर्ड के भर्ती आयोग पांचों यादव सुन तो लीजिए सुन तो लो सुनाइए देखिए पांच भर्ती बोर्ड उत्तर प्रदेश में सरकार में समाजवादी की थी उस बोर्ड के अध्यक्ष पांचों यादव थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कैंसिल किया था उसको। मैं तो कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी परिवार पार्टी है अपने एक और दो के सिवा तीसरा नहीं। जब हम कह रहे हैं पिछड़ी जातियों को आपका अधिकार मिला। अच्छा जब पुलिस में भर्ती होती थी तब ये लोग मंदिर का घंटा बना के 17 जातियों को केंद्र में भेजते थे। यही पर पार्टी बसपा में सपा में और आज भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। ठीक है। इनको हक अधिकार पिछड़ों का अधिकार ये बताइए रविंद्र प्रताप सिंह सवाल पूछ रहा दिव्य श्रीवास्तव से। दिव्य भाई आपको सवाल याद है दोबारा याद दिला दूं क्योंकि वहां पर जवाब दयाराम भाई दे रहे थे। आप जवाब देंगे राष्ट्रीय ध्वज की बात और संघ प्रमुख की बात ओबीसी वर्ग से कब आएगा? रविंद्र भाई का जवाब था सवाल था। पहली बात तो संघ में कोई जाति का विषय नहीं होता जी। अगर संघ की शाखा में रविंद्र जी कभी गए होते जी तो इस तरह का प्रश्न ना करते। अच्छा रही बात भारतीय जनता पार्टी की जी तो आज देश के सबसे लोकप्रिय नेता जी परंतु दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ओबीसी समाज से ही आते हैं। अच्छा और भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेन्द्र चौधरी जी वो भी ओबीसी समाज से ही आते हैं। अच्छा तो ये इस गुआ उसमें ना रहे जी कि ओबीसी समाज के लोग केवल एक दल में है। अच्छा
सत्यता ये है कि समाजवादी केवल ओबीसी की बात करती है जी। जब सत्ता में आती है तो जाति विशेष की बात करती है। अच्छा। और उस जाति में भी केवल चार जिले के ही यादव जिलों को यादव मानती है। अच्छा। बाकी प्रदेश का यादव इन्हें यादव नहीं समझ में आता। अच्छा। माई के समीकरण पे चलते हैं, मुसलमानों के साथ सत्ता में आने पे क्या सलूक करते हैं जी, वो भी सबने देखा है। अच्छा। आज की डिबेट का समय शेष हो तो मैं उस पर भी विस्तार से चर्चा कर सकता हूँ। चाहे मुजफ्फरनगर में 60 मुस्लिमों के बच्चे मारने का मामला हो, जब अखिलेश यादव सैफई में ऐसी कैंपों में आलिया भट्ट का डांस देख रहे थे, चाहे बराई पे मुस्लिम प्रधान को जूते से मारने का प्रकरण हो विधायक के द्वारा इनके समाजवादी पार्टी के, चाहे 35 साल बाद एक मुसलमान के लड़के के जियाउल हक की यूपीएससी से डिप्टी एसपी बनने के बाद कुंडा में हत्या का मामला हो जी। और जब ये ओम प्रकाश राजदोल जी को संभाल के ना रख सके जी, फिर क्या पिछड़ों की बात करते हैं जी। पिछड़ों की बात पर लोगों को ठगने की बात करते हैं। अच्छा। और आज भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसा दल है जी, जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की नीति पर चलता है, जिस दल में हर व्यक्ति आकर के अपना सम्मान प्राप्त करता है और देश के विकास के रास्ते पे कदम से कदम मिलाकर चल सकता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। आप सभी मेंबर्स कार्यक्रम में जुड़ने के बहुत धन्यवाद। तो यह चर्चा थी, ओबीसी आरक्षण की सूचना जारी हो चुकी है, यह चर्चा थी, चुनाव बहुत जल्दी होगी, और यह चर्चा थी ओबीसी वर्ग का हितैषी कौन, खैर यह सबका मास्टर प्लान है, कौन किस वर्ग को कितने टिकट देगा, कौन किस वर्ग को कितना आगे लेके जाएगा और कौन किस वर्ग को कितना अहमियत देता है, वो आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा, परिणाम से भी और टिकट वितरण से भी। पर जिस तरह से ओबीसी वर्ग के लिए यहाँ सब हितैषी बनने का प्रयास करते हैं, ओबीसी वर्ग के लड़ता कौन है, ये सारा ओबीसी वर्ग भी जानता होगा और जानता होगी जनता भी और जानते होंगे हमारे यहाँ के नेता भी, क्योंकि अगर प्रतिनिधित्व देना है, व्यवस्थाएं देना है, बेहतर करना है, तो उसके लिए राजनीति से अलग हटकर हर वर्ग के लिए प्रयास करना होगा। यहाँ अगर गरीब है तो गरीब केवल ओबीसी नहीं, गरीब का एक ही वर्ग होता है, वो होता है गरीब। गरीब किसी वर्ग से नहीं आता, कमज़ोर किसी वर्ग से नहीं आता। अगर कोई वर्ग कमज़ोर है या कोई कमज़ोर है तो उसके लिए किसी वर्ग का निर्धारण नहीं होना चाहिए। हमारी व्यवस्थाएँ अलग है, हमारे आरक्षण अलग है, हमारी नीति अलग है, पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे लिए सबसे बड़ा जो एक नीति होनी चाहिए वो होनी चाहिए मानवता, और मानवता हमको यही सिखाती है कि कमज़ोर गरीब जिस भी वर्ग का हो उसकी बेहतरी के लिए प्रयास करना चाहिए, उसके लिए लड़ना चाहिए। और जिस दिन हमारे यहाँ के राजनीतिक दल इसके लिए लड़ना शुरू कर देंगे, प्रयास करना शुरू कर देंगे, तो ना आरक्षण की व्यवस्था जरूर पड़ेगी और ना नीति जरूर पड़ेगी। व्यवस्था एक ही चाहिए, वो है मानवता। काम करते रहिए, मेहनत करिए, संघर्ष करिए और जो कहते हैं उसको पूरा करिए। केवल नाम के तहत मत बनिए, अगर किसी वर्ग की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं तो उसके लिए जद्दोजहद से जुटिए। केवल अपने आप को दिखाने के लिए राजनीति मत करिए, क्योंकि राजनीति सेवा के लिए होती है, ना कि अपनी सेवा के लिए। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।